एक दिन आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ और उसके फरिश्तों के वजूद पर और उस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर और उसके रसूलों के बरहक होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और नमाज कायम करो और ज़कात फ़र्ज अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने एहसान के मुतालिक पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें उसकी निशानियाँ बतला सकता हूँ। वो ये हैं कि जब लौंडी अपने आका को जनेगी और जब सियाह ऊँटों के चराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तामीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो क़यामत का इल्म इन पाँच चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब होगी। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आपने फरमाया कि इसे वापस बुला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए थे। सही बुखारी हदीस नंबर 50। सल्लु अलैहि।